ठीक है, ओके। मैंने आपको राउट्स का टैग मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है, सही है। और राउट्स और राउटर समझाने से पहले मैं सबसे पहले एक काम करूंगा, मैं आपको रूट सारे चला कर दिखा दूं, ताकि पता तो चले कि मेरे जितने बनाए हुए रूट हैं वो चल भी रहे हैं या नहीं चल रहे। अगर मैं एक दफा दोबारा आता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा। मैं अगर इस यूआरएल को कॉपी करके कंसोल पे दिखाता हूँ, तो ये देख रहे हो सारे, ये लास्ट में जो स्लैश आ रहा है, ये जो लास्ट में जो स्लैश आ रहा है ना, वो जो यहाँ से आ रहा है लाइन नंबर 20 में, जो मैंने स्लैश दिया हुआ है, कि डिफॉल्ट पर जो सबसे पहले कंपोनेंट रेंडर होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ स्लैश ABOUT, रेंडर करा अगर मैंने, तो अब मुझे वो सक्सेसफुली अबाउट स्क्रीन पर लेके जा चुका है। और यहाँ से मैं इसको अगर क्लियर करूँ और कॉपी पास करके आपको यहाँ पे कंसोल में इसका पाथ दिखाऊं, तो आप देख रहे हो मैंने बिल्कुल वही इसने रेंडर किया है जो पाथ इसको मैंने दिया था। अब आपके पास होम मेरा एक स्क्रीन का सवाल है। कंटेंट नहीं आ रहा है, आपके पास अबाउट वाला कंटेंट आ रहा है। क्लियर है? तो नेविगेशन जो होगी आपके रिएक्ट में, वो आपको इस तरह करनी होगी। डायरेक्ट स्लैश इनका हम पाथ नहीं दे सकते वहां। देखो यहाँ आप अबाउट में पाथ ही तो दे रहे हो, लेकिन जो सबसे पहले देना होगा ना, वहां आपको स्लैश ही देना होगा, ताकि उस रिएक्ट को पता चले कि सबसे पहले क्या रेंडर करना है। रिएक्ट सबसे पहले रेंडर करने वाले को स्लैश स्लैश कंसिडर करता है, कि भाई जो स्लैश होगा वो सबसे पहले रेंडर होगा, बाकी सारे उसके बाद। अगर अबाउट के अंदर एक और पेज बना हुआ है, फिर आप स्लैश करके इस तरह बाकी देते जाओगे, कोई मसला थोड़ी है, देते जाओगे वैसे। ठीक है, अभी हम आते हैं कॉन्टेक्ट में, सेव करता हूँ और वापस आता हूँ। CONTACT, ठीक है, मेरे पास कॉन्टेक्ट जबरदस्त तरीके से रेंडर हो रहा है। ठीक है, अब आपका सवाल होना चाहिए यार के राउट्स, राउट तो मुझे समझ आ गए कि यार ये क्या कर रहे हैं, लेकिन ये राउट्स क्या कर रहा है? और राउट्स अगर काम कर भी रहा है, राउट्स एक्चुअली में आपको क्या कर रहा है? जितने भी आपके राउट होंगे, एप्लीकेशन की नेविगेशन जो हैंडल कर रहे होंगे, उनका जो मेन कंटेनर है, जो उनका होल्डर है, वो राउट है। सिंपल खत्म। तो फिर ये राउटर क्या कर रहा है? राउटर का हमें क्या काम? और ऊपर से ये ब्राउजर राउटर एज राउटर करके लगाया हुआ, ये क्या है? ब्राउजर को नहीं पता ये राउटर क्या है, क्या मतलब ये जो हमारा ब्राउजर है जहां पर रेंडर हो रहा है, ठीक है, वो उसमें आपके पास एक बिल्टन आपके पास फीचर है रिएक्ट में, कि भाई रिएक्ट ने बोला अगर आप ब्राउजर राउटर एज राउटर, तो ब्राउजर राउटर एज राउटर को आप ये भी समझ सकते हो। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मैं यहाँ खोलता हूँ अपना टेस्टिंग प्रोजेक्ट, ठीक है, यहाँ पर आपका टेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, छोटा सा सवाल पूछूंगा मैं, सेव किया, ठीक मेरे पास। और यहाँ पर जो भी आने वाला होगा कंसोल डॉट लॉग में, उसको आपने रेंडर करा दिया कंसोल डॉट लॉग बेस। ठीक है, डिस्प्ले डेटा को मैं नीचे कॉल कर देता हूँ, डिस्प्ले डेटा, और उसको मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है, लेट यूजर इज इक्वल टू अहमद, ठीक है, यूजर इज इक्वल टू अहमद, ओके। अब अगर मैंने यहाँ पर अगर मैं यूजर लिख दूं, ठीक है, तो उसको नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर आपको आर्गुमेंट रिसीव होते हैं, आपको यहाँ से जो भेजना होगा ना वो आपको यहाँ रिसीव होगा, यहाँ पर कोई और चीज नहीं मिलेगी। लेकिन लेकिन अगर मैं यहाँ पर रिसीव कर दूं, यहाँ पे मैं एक अगर आपको कोई बोला जाए कि भाई आपके पास जो पैरामीटर एरिया होता है, पैरामीटर क्या एरिया? ये वाला एरिया जहाँ पे आप फंक्शन पैरामीटर रिसीव करते हो, अगर मैं यहाँ पे लिखूं नेम इज इक्वल टू यूजर, ठीक है, तो अब ये जो नेम है ना, ये एक किस्म का वेरिएबल बना दिया गया फंक्शन के पैरामीटर के अंदर, जिसके अंदर यूजर असाइन है।
ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पे नेम लिख लेता हूँ तो मुझे वहां पर मिलने वाला है अहमद, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो वो इसको नहीं पकड़ा, वो इसको पकड़ा है एज करके, ब्रोदर राउटर एज राउटर, के भाई ब्रोदर के राउट हैं जो भी बने हुए हैं राउटर के अंदर, क्लियर है। बिल्कुल इसकी ये एग्जाम्पल इसलिए बताएंगे, इज इक्वल टू काम कर रहा है एज का जो बीच में लगा हुआ, क्लियर है सबको। ओके अच्छा, अभी भी आपका सवाल होना चाहिए सर, राउट्स जो हैं वो तो कंट्रोल कर रहे हैं किसको, रूट को, जितने भी रूट लगे हुए हैं, सही है। मैं भी दोबारा समझाता हूँ, ठीक है। राउट्स जो हैं वो तो कंट्रोल हो रहे हैं रूट्स को, उनको कंट्रोल कर रहा है, तो फिर ये राउटर अभी भी किस बात का पेरेंट कंटेनर है वो समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। चलो ठीक है, समझ इसको दोबारा बताते हैं भाई। ये राउटर बोलता है कि मैं आपका पेरेंट कंटेनर हूँ आपके तमाम राउटिंग का, लेकिन लेकिन अगर आप कोई JSX लिखोगे, कोई HTML लिखोगे ना, मैं उसको भी एक्सेप्ट कर लूंगा, मैं उसको भी एक्सेप्ट कर लूंगा, सही है। मैं यहाँ पर एक H1 बनाता हूँ और यहाँ पर मैंने लिखा वेलकम टू रिएक्ट आउटिंग, और मैं वापस जाता हूँ। सबसे पहले मैं जाऊंगा W, इसको खत्म करते हैं। सबसे पहले मैं जाऊंगा स्लैश पर, सबसे पहले मैं गया स्लैश पर जो मेरे पास ये आ रहा है। अब अगर मैं सेव करता हूँ और वापस जाता हूँ तो मेरे पास वेलकम टू रिएक्ट राउटिंग, मतलब आपका जो राउटर कंटेनर है वो आपके तमाम राउट का पेरेंट कंटेनर जरूर है, लेकिन वहां पर अगर उसको कोई HTML मिलेगा ना तो वो उसको भी रेंडर कर देगा, जबकि आपका जो ये राउट है ये सिर्फ आपके रूट का कंटेनर है, ठीक है। इंटरव्यू में अगर सवाल आए रूट क्या करते हैं, रूट आपके सिर्फ रूट को कंट्रोल करते हैं, उनका पेरेंट कंटेनर है। राउटर जो है वो आपकी पूरी नेविगेशन का कंटेनर है, लेकिन अगर उसको कोई HTML का टैग मिलेगा या कोई कंपोनेंट मिलेगा तो वो उसको भी रेंडर कर देगा, क्लियर है। वापस आते हैं बाकी कंपोनेंट्स पे जाकर देख लेते हैं। सबसे पहले स्लैश अबाउट, मेरे पास वेलकम टू रिएक्ट राउटिंग आ रहा है जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ था। स्लैश कॉन्टेक्ट लिखे तो CONTACT, मेरे पास कॉन्टेक्ट स्क्रीन पर भी रिएक्ट राउटिंग आ रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सबको क्लियर हो गया होगा, अगर किसी को नहीं क्लियर हुआ तो वो बताए। क्लियर है सर? ओके हम अब एक काम करते हैं, हम एक नेविगेशन बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक नेविगेशन बनी हुई आनी चाहिए जिसके क्लिक करने पे मैं वहां जा सकूं, ठीक है। मैं क्लिक करूं तो मैं होम पर आऊं, मैं क्लिक करूं तो मैं कहाँ पर जाऊं, अबाउट पर जाऊं, और मैं क्लिक करूं तो मैं कॉन्टेक्ट पर जाऊं, ठीक है। वापस आते हैं और इस H1 को हटा देते हैं यहाँ से, इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है। सेव करता हूँ और मैं जल्दी से आता हूँ यहाँ पर नहीं, इसका तो काम हो गया। अच्छा सही है यार, ये एग्जाम्पल सबको समझ आई, ये बताओ सारे। देखो अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट यूजर को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, ठीक है, यूजर को, तो वो मुझे नहीं मिल रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ आपको पैरामीटर रिसीव होंगे, अगर यहाँ से कुछ आने वाला होगा तो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि मैंने पैरामीटर में एक फंक्शन, वो एक वेरिएबल नेम बना दिया। पैरामीटर में अगर आप कोई वेरिएबल नेम बनाओगे तो आपको लेट या वार यूज करने की जरूरत नहीं है। मैंने बोल दिया नेम और उसमें असाइन कर दिया यूजर, ठीक है। तो रिएक्ट में सेम काम एज करके हुआ हुआ है बस, और कुछ भी नहीं। ठीक सेव करते हैं और वापस आ, यहाँ पर आ गया मैं और रिएक्ट राउटिंग में मैं एक फाइल बना देता हूँ जिसका नाम है नेविगेशन, नेविगेशन की फाइल मैंने बना दी है और मैं वापस जाता हूँ। यहाँ पर आया app.js में, राउटिंग कंपोनेंट्स, यहाँ पर मेरे पास एक फाइल है, इसमें मैं फाइल बना देता हूँ नेविगेशन डॉट
रेड एरो फंक्शनल कंपोनेंट विद एक्सपोर्ट, ठीक है वापस आ चुका है। बूटस्ट्रैप से बना कर चलाएं अब, हाँ वो भी करते हैं, वो भी करते हैं, पहले चला कर तो देख लें रेंडर, वो भी रिया नहीं हो रही, वो भी करते हैं। सही है, नेविगेशन के एन कैपिटल कर देते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था डेट इज कॉल्ड फंक्शनल फंक्शन नॉट फंक्शनल कंपोनेंट, क्योंकि उसमें पता नहीं है अभी ये क्या है, ठीक है आपको इसको एन को कैपिटल रखना होगा, ठीक है। और एन को यहाँ से हमने कैपिटल कर दिया, और शिफ्ट एफ, और अब अगर मैं यहाँ पे बना दूँ एक सेगमेंट, और यहाँ पर मैंने दे दिया एक और यहाँ पर मैंने एक हेडिंग दे दी नेवबार, ठीक है सेव करते हैं और हम आते हैं किस में, एप डॉट जे एस में, एप्लीकेशन, नेविगेशन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं सेम लोकेशन पर जा रहा हूँ, बिल्कुल सही है। और इंस्टेड ऑफ जैसे कि मैंने बोला था राउटर आपका एचटीएमएल को सपोर्ट कर रहा है, चला के देख रहा है, तो यहाँ पर मैं एक कंपोनेंट बना देता हूँ जिसका नाम होगा नेविगेशन, नॉट मैवी, नेविगेशन, ठीक है सेव किया और चलाकर अब अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास लेव बार आ रहा है कॉन्टेक्ट में, अबाउट में भी देख लेते हैं, अबाउट में और स्लैश करके भी देख लेते हैं, स्लैश में, ठीक है यहाँ पर एक नेव बार बनाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हम इसको रेंडर करेंगे, ठीक है चलाकर देखेंगे क्या वो नेविगेशन प्रॉपर वर्क कर रही है। आपको मैंने फिर बताया है कि ये जो आपके पास टैग था ए का, ये वर्क नहीं करेगा, अगर कर भी रहेगा तो आपको कंसोल में वो एरर देता रहेगा कि भाई इसके बजाय मेरे पास कोई और चीजें हैं आप उसको यूज करो, क्योंकि हमारे पास एलिजिबल चीजें वो हैं, हमारे पास ए से एचरेफ नहीं है, सही है ओके। तो फिर आपके पास क्या है वो देख लेते हैं, सबसे पहले एक बेसिक लिस्ट बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है लिस्ट के लिए मैंने आपको पढ़ाया था यूएल, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे, और उसके बाद मैंने आपको बनाया था एल आई, एक एल आई बना लेते हैं, ठीक है बल्कि मुझे तीन एल आई बनानी है ना, एल आई मल्टीप्लाई करता हूँ, एक एल आई बनाइए सर, अगर पेज के अंदर राउटिंग करनी हो तो, हाँ वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, मैंने किया इम्पोर्ट बॉडी फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और यहां से मैंने मंगवा लिया, देखिए आपका जो ए कट काम होगा वो सारा आपका काम करेगा, लिंक कट है ठीक है, लिंक को आपको यूज करना है इंस्टेड ऑफ ए, ठीक है मैं एल आई में आया और एल आई में मैंने यूज करा लिंक, ठीक है और इसके अंदर मैंने बना बता दिया होम, ठीक है अच्छा अब इसको भी कैसे बता कि यार कौन सी जगह पर किस तरह जाना है, मैंने तो खाली लिंक का एक टैग बनाया है और उसके अंदर होम लिख दिया है, सही है उसको अभी नहीं बता कि भाई किस तरह कहाँ जाना है। तो आपके पास लिंक में एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है टू, कहाँ से जाना है, कहाँ जाना है, ठीक है तो मैंने राउटिंग में देखा, मैंने बोला कि जब होम क्लिक हो तो आप इसको ले जाना यहाँ पर, ठीक है मैं एल आई को दो दफा कॉपी करता हूँ, कॉपी किया पेस्ट पेस्ट, और फिर मैंने बोला जब बात आए अबाउट की ए बी ओ यू टी आप ले जाना इसको अबाउट पर ए बी ओ यू, ठीक है और कॉन्टेक्ट की बात आए तो कॉन्टैक्ट, और हमारे पास नेविगेशन रेंडर हुई भी है यहाँ पर, अब हमारे पास एक नेविगेशन प्रॉपर तौर पर आनी चाहिए,
जो कि हमने नेविगेशन के कंपोनेंट के अंदर बनाई हुई है, उसके अंदर हमने कंपोनेंट यूज किया हुआ है लिंक का, जो कि हमारे पास कहाँ से इम्पोर्ट हो रहा है, रिएक्ट राउटर डॉम से, और उसके अंदर हमने पाथ डिफाइन कर दिए हैं कि आपको इस जगह से यहाँ जाना है, जब भी क्लिक हो अबाउट पर यहाँ जाना है, कॉन्टेक्ट पर यहाँ जाना है, ठीक है। सेव किया मैंने और मैं वापस आता हूँ, मुझे उसने एक नेविगेशन बनाकर दे दिया है। मैं आप जूम इन किया है, सबको नजर आ रहा है, पहले क्लियर कर दो, जूम से सबको नजर आ रहा है। ओके ठीक है, अब अगर मैं अबाउट पे क्लिक करूं तो यहाँ पर अबाउट आना चाहिए, और यहाँ पर जो मेरा अबाउट कंटेंट वाला डेटा था वो मेरे पास आना चाहिए। अबाउट पे मैं क्लिक करता हूँ, सक्सेसफुली वो अबाउट स्क्रीन पर लेके जा चुका है, और अगर मैं कॉन्टेक्ट पर क्लिक करूँ कॉन्टेक्ट स्क्रीन पर भी लेके जा चुका है, और होम पर क्लिक करूँ तो आपके पास एक प्रॉपर नेविगेशन तैयार हो चुकी है। आप ये देख रहे हो कि आप नेविगेशन चेंज कर रहे हैं, आपका पाथ चेंज हो रहा है, लेकिन पेज आपका रिफ्रेश नहीं हो रहा। दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, जिसकी वजह से रिएक्ट अभी भी सबसे टॉप पर है, ठीक है। आपके पेजेस चेंज हो रहे हैं लेकिन आपकी एप्लीकेशन का जो ये है ये रिफ्रेश नहीं हो रहा जो आपका पेज है, ठीक है। ये रिएक्ट राउटिंग है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस फास्ट है, और ऑप्टिमाइजेशन की अगर बात है तो ये आपकी परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने का सबसे इम्पोर्टेंट टूल है। क्लियर है मेरी बात सबको? ठीक है, आज का हम लास्ट काम ये करते हैं कि हम एक थोड़ी सी अच्छी सी नेविगेशन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जिसमें आपको ये मजीद पता चल जाएगा कि आप मजीद और ज्यादा से ज्यादा लाइब्रेरी किस तरह यूज करते हो, ठीक है। रिएक्ट में आपको बूटस्ट्रैप यूज करना है, मटेरियल यूआई करो, आर्ट डिजाइन करो, जो मर्जी करो, मसला नहीं है, सबसे रिकमेंडेड बूटस्ट्रैप है, ठीक है, मेरी नजर में, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिवनेस की बहुत ज्यादा चीजें दे रहा होता है, ठीक है। तो रिएक्ट में जो बूटस्ट्रैप यूज हो रहा है, विच इज कॉल्ड एमडीबी बूटस्ट्रैप, मैं वापस आया यहाँ पर और मैंने लिखा एमडीबी रिएक्ट, एमडीबी रिएक्ट, वो बोल रहा है बूटस्ट्रैप 5 एंड रिएक्ट, ठीक है। ओके मैं इसको खोल लेता हूँ और हम करते हैं गेट स्टार्टेड, ठीक है। सबसे पहले वो इंस्टॉलेशन की चीजें बता रहा है, फिर वही बात आ गई, हमें यहाँ पे आके इसको बंद करना पड़ेगा, मैंने इसको यहाँ से बंद कर दिया, और फिर यहीं पर आते हैं, इसको भी कंट्रोल सी 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 एल एस खत्म किया, और यहाँ पर आते हैं किस पे, पैकेज डॉट जेसन में, हमें पता चले कि हमारे सामने इंस्टॉल हुआ भी है कि नहीं हुआ। हमने अभी जो लाइब्रेरी इंस्टॉल करी थी उसका नाम था रिएक्ट राउटर डॉम, अगर आप निशानी के लिए अपने पास याद रखो तो डिपेंडेंसी का जो एर ब्रैकेट है वो लाइन नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है और लाइन नंबर 14 पर खत्म हो रहा है। अब अगर वो 15 पर खत्म होता है, दैट मीन्स हमने कोई एडिशनल चीज इंस्टॉल कर ली है। मैं वापस आता हूँ, क्या बोल रहा है भाई, के डाउनलोड कर लो, नहीं कर रही, सही है, सिंपल बात है, नहीं कर रही। अच्छा एनपीएम इंस्टॉल, इंस्टॉल डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी बताओ ना, ठीक है। वो बोल रहा है क्रिएट रिएक्ट टैब करो, मैंने बोला बनाया हुआ है, ठीक है। npm install mdb react ui, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इधर आया npm install mdb dash react dash ui dash kit, एंटर मारा, लाइन नंबर 14। आज मेरे 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 नाजो बैग में पड़े। ठीक है, आपके पास वो इंस्टॉल हो चुकी है, हम जाकर देखते हैं, लाइन नंबर 15 पर वो आ चुका है, डेट मीन कोई एडिशनल चीज अपडेटेड हो चुकी है, और एमडीबी रिएक्ट यूआई किट हमारे पास इंस्टॉल हो चुकी है। बताने का क्या मकसद था, अब आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यहाँ पर अपने पास भरते रहा करोगे, रेडियो बटन्स लगाने हैं एनपीएम के पास जाओ, चेक बॉक्सेस लगाने हैं एनपीएम के पास जाओ, यूआई लाइब्रेरी यूज करनी है एनपीएम के पास जाओ, वो सब आपको बना के देगा। आपको क्या करना आना चाहिए, फिर वही बात, फंक्शनैलिटी लिखना आनी चाहिए, लॉजिक लिखनी आनी चाहिए, आपका जो है यूज कर लो ना। प्रोग्रामिंग के एल्गोरिथम किस तरह काम कर रहा है वो आपको अंडरस्टैंड करना आना चाहिए, ठीक है।
ओके वापस आते हैं। फिर क्या कह रहे हैं भाई के आपके उसके साथ फॉन्ट ऑसम भी इंस्टॉल करने होंगे इसके। ठीक है मैंने बोला इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। वापस आते हैं, डबल सी सी CLS कंट्रोल V एंटर। आते हैं अब वो हमारे पास फॉन्ट ऑसम भी उसने इंस्टॉल कर दिए हैं और इंस्टेड ऑफ 15 अब वो 16 पर खत्म हो रहा है। ठीक है ओके, दो लाइब्रेरीज हमारे पास इंस्टॉल हो चुकी हैं। फिर वो क्या बोल रहा है, CSS इंपोर्ट ऐड द फॉलोइंग लाइंस इन योर index.js फाइल बिफोर द app.js फाइल इज इंपोर्ट। मैंने बोला ठीक है, index.js का फाइल वो नाम खुद ले रहा है, बस खत्म हो गई सारी बात। इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं वापस चला जाता हूँ काम पर, index.js की फाइल यहाँ पर आए, index.js यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर एक नोट लिख देता हूँ, नोट रिएक्ट बूटस्ट्रैप इंटीग्रेशन, रिएक्ट नॉट बूटस्ट्रैप इंटीग्रेशन। कंट्रोल भी ओके, मेरे पास इंपोर्ट कर ली इसको भी ठीक है। वापस आते हैं, क्या कह रहा है भाई, एड द फॉलोइंग लाइंस इन पब्लिक index.html फाइल इनसाइड द हेड सेक्शन। ठीक है, जब वैसे तो कभी भी आपको index.html की फाइल में कभी भी कोई चीज यूज नहीं करनी होगी, लेकिन जब रिकमेंडेड करती है यहाँ से बता रहा है कि वहां पे करो, वहां लिखा है ऐप इंपोर्ट करने से पहले कॉपी करना है। वहां जो लिखा हुआ है ना उसके कहने का मतलब है app.js फाइल जहां पर इंपोर्ट हुई भी होगी, यानी कि यहाँ पर जो इंपोर्ट हुई भी है ना उससे पहले। ठीक है, यानी कि इस वाले कंपोनेंट से पहले, app.js से पहले। ठीक है, उसका ये मकसद था, इस वाले कंपोनेंट से पहले ये मतलब था उसका। ठीक है वापस आते हैं, फिर वो बोल रहा है कि एड द फॉलोइंग लाइंस इन पब्लिक index.html फाइल इनसाइड द हेड सेक्शन। ठीक है भाई कर लेते हैं, कॉपी किया इसको, package.json को बंद करता हूँ मैं, index.js को भी यहाँ से सेव करते हैं और यहाँ गए इसको बंद करा, पब्लिक index.html हेड सेक्शन हमारे पास कहाँ पर है ये रहा, हम सबसे रिएक्ट टैब से ऊपर यहाँ पर कंट्रोल वी ऑल्ट शिफ्ट टैब और सेव। ठीक है खत्म। फिर वो बोला इंडेक्स डॉट सी एस एस में इसको लगा लो। ठीक है भाई ये भी कर लेते हैं, और बोलो भाई यहाँ पर आए इंडेक्स डॉट सी एस एस उसको हटा देते हैं, कंट्रोल बी, अच्छा बॉडी दिया हुआ है ना, कंट्रोल सेव। ठीक है इंडेक्स डॉट सी एस एस में भी जो उसने बोला था वो भी लगा लिया है और हमने ये भी कर लिया है, और उसने बोला अब npm स्टार्ट करके चला लो। ठीक है भाई ऐसा करके देख लेते हैं, जो जो उसने बोला है वो सब मैंने आपके सामने करके दिखाया है। ठीक है वापस आते हैं, डबल सी CLS और npm स्टार्ट। अब आप देख सकते हो मेरे एटलीस्ट फॉन्ट चेंज हो चुके हैं, दैट मींस MDB बूटस्ट्रैप इज इंटीग्रेटेड सक्सेसफुली। मेरे पास प्रॉपर एक थोड़े से अच्छे फॉन्ट बनकर आ रहे हैं, सबको दिख रहे हैं नहीं दिख रहे। सही है, देखो भाई सबने जवाब देने हैं। ठीक है अबाउट और कॉन्टेक्ट भी देख लेते हैं, स्लैश अबाउट, अबाउट प्रॉपर आ रहा है मेरे पास, स्लैश कॉन्टेक्ट प्रॉपर आ रहा है मेरे पास। ठीक है हम एक अच्छी सी नेविगेशन बार उठाएंगे और उसको इंस्टेड ऑफ दिस बेकार सी जो है मैंने बनाई है उसके बजाय यूज करेंगे। ठीक है अब मैं आता हूँ और मैं इसको बंद करता हूँ, और अब मैं गूगल पे लिखता हूँ MDB
एमटीबी, रिएक्ट, नेव बार। बोला है रिएक्ट नेव बार बूटस्ट्रैप। एग्जांपल एमटीबी स्टैंड फॉर मटेरियल डिजाइन फॉर बूटस्ट्रैप। सही है भाई, वापस आते हैं। ये नहीं चाहिए मुझे क्योंकि इतने इसमें बहुत सारी चीजें हटानी पड़ जाएंगी। ये एक अच्छा लग रहा है जिसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो है अपने प्रोजेक्ट का नेम लिख देंगे और डिजेबल को हटा देंगे और बाकी सारी चीजें जो है उनको हम कंट्रोल कर देंगे। सही है। आप इसमें से मेरी फंक्शनैलिटी को देखते हुए, अपनी फंक्शनैलिटी को यूज करते हुए सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, हम इसको यूज करते हैं एंड बिकॉज वी यूज क्लासेस फॉर आवर नेव्स यू कैन अवॉइड द लिस्ट बेस्ड अप्रोच एंटायरली इन लाइफ। ओके, यहाँ पे कॉपी करा और मैं आता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपनी जो नेविगेशन है जो मेरी नेविगेशन है इसको मैं कट करता हूँ और एक नोटपैड फाइल में सेव कर दूँ। कंट्रोल भी ठीक है, यहाँ पर आया, उसने मुझे कोड दिया है और मैं वो सारा कोड जो है यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर चिपका देता हूँ। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले कोई सीएसएस वाला कोई मसला तो नहीं बता रहा, वो नहीं बता रहा। शो कोड हटाएं तो ठीक है, दिखाएं तो वो ये दे रहा है बस। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। इम्पोर्ट ऑल्ट शिफ्ट टैब, इम्पोर्ट रिएक्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, और फिर उसने ये सारी चीजें बनाई है कहाँ से, एमटीबी रिएक्ट यूआई। उससे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करके जावास्क्रिप्ट का जो कोर फंक्शन था उससे कंपोनेंट बनाया हुआ। सबसे पहले हम इसको अपडेट करते हैं न्यू कंपोनेंट में। कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर आया, लॉन्च ऐप इज इक्वल टू एरो, चल हमारा क्रिएटेड सक्सेसफुली। सबसे लास्ट में आए एक्सपोर्ट डिफॉल्ट जो भी मेरे कंपोनेंट का नेम था, और मैं यहाँ पर ऐप के बजाय इसको कर देता हूँ नेविगेशन। ठीक है, कॉपी किया और लास्ट में आते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नेविगेशन। ठीक है, ओके। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको चलाकर देख लेते हैं कि क्या वो सक्सेसफुली रेंडर कर रहा है। जब रेंडर करेगा तो हम उसको कस्टमाइज भी कर लेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या वो कंसोल में कोई एरर तो नहीं दे रहा। ठीक है, वापस आता हूँ, ऑल शिफ्ट टैब, सेव किया, कंपाइलिंग सक्सेसफुली। और मेरे पास अगर मैं ब्राउजर पे जाऊं तो उसने एक बड़ी जबरदस्त किस्म की नेविगेशन बार उसने क्रिएट करके दी है। हमने रिएक्ट में एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी मटेरियल डिजाइन बूटस्ट्रैप के साथ नेविगेशन बार इंटीग्रेट कर ली है। अगर मैं आपको F12 दबाऊं तो वो आपको बता रहा है कि भाई प्योर रिस्पॉन्सिव है, पक्की रिस्पॉन्सिव है, किसी किस्म का आपको मसला करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम इनके इनके डिफरेंट इनके क्लिक पर पेजेस चेंज करते हैं। और आप ये देख रहे हो ये डिजेबल है, इसको हम खत्म कर देते हैं। और ये थोड़ा सा हार्ड कलर है, हम इन दोनों में भी वही हार्ड कलर अप्लाई करेंगे। कैसे करते हैं देख लेते हैं। ये चीज अब अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आपको अपनी फंक्शनैलिटी पर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ बस 10 मिनट से हम कंटिन्यू क्लोज करेंगे। करना पड़ेगा क्योंकि ये सिंपल सिंपल बता रहा है एमडीबी नेव बार टॉगलर, क्योंकि ये है। ठीक है, मजीद वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे आप जा सकते हो और यहाँ पे क्या लिखोगे, नेविगेशन। ठीक है, फॉल्स आ रहा है, क्लिक किया ट्रू हो गया, क्लिक किया फॉल्स हो गया, खत्म कहानी यार। आपने चैंपियंस वाली बातें कर दी है, सही है, काम करना है चैंपियंस वाला खाली। ओके, इससे थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, फिर वो बोला है मैंने डिजेबल लगाया हुआ है। मैंने बोला डिजेबल तो चाहिए ही नहीं, बस ठीक है डिजेबल को हम हटा देते हैं यहाँ से। ओके, फिर भाई यहाँ पे फीचर्स है, यहाँ पर उसने होम लगाया हुआ है। वो बोला है कि होम में मैंने किया हुआ है एरिया एक्टिव रखा हुआ है। मैं एक्टिव को हटाता हूँ क्योंकि वो आप देखो थोड़ा सा इनके मुकाबले में थोड़ा सा ज्यादा ब्लैक है। सबको क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जी सर, ठीक है, ओके। अब मैं एक्टिव हटा कर देखता हूँ, एक्टिव को मैंने हटा दिया यहाँ से और इंस्टेड ऑफ करंट एरिया पेज इसको भी हटा दिया मैं। ठीक
है, सेव किया, वापस आता हूँ। अब आप देख सकते हो डिसेबल मेरे पास से जा चुका है और होम फीचर प्राइसिंग मेरे पास प्रॉपर तौर पर आ रहे हैं। ठीक है, वापस आते हैं, मैं आऊंगा कहाँ पर, यहाँ पर इम्पोर्ट रिएक्ट काउंटर डॉम। मुझे यहाँ से क्या निकालना था, मुझे यहाँ से निकालना था लिंक, लिंक निकाल लिया मैंने, और इंस्टेड ऑफ नेव बार लिंक, सही है, इंस्टेड ऑफ नेव बार लिंक मैं इसके अंदर क्या रखूंगा, ये जो मैंने लिंक लगाया, कॉपी किया और इसके अंदर इसको मैंने चिपका दिया। ठीक है, और एचरेफ को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और हर बार में एक एंटर भी दे देता हूँ। टेस्ट दिया, नेविगेशन बार रेडी हो चुकी है लिंक के साथ, और अब हम उसको चलाकर देख लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं किसी किस्म का कोई एरर तो नहीं आया यहाँ पे अभी तक, किसी किस्म का 1 रुपए का भी एरर हमारे पास नहीं आया है। वापस आता हूँ और सेव किया मैंने। ठीक है, कंपाइल सक्सेसफुली, किसी किस्म का कोई मसला नहीं आया है। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो अब मेरे पास लिंक प्रॉपर आ रहे हैं, मेरे पास ये हैश आ रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ। एंटर मारा, मेरे पास प्योर रिएक्ट रेंडर हो रहा है। और अगर मैं कंसोल में जाकर देखूँ, ए कैन नॉट अपेयर एज अ डिसेंडेंट ऑफ ए, ये क्या है, इसको हम बाद में देखते हैं, इसको हटा दो। अबाउट पे गया सक्सेसफुली, अबाउट, कॉन्टेक्ट पे गया कॉन्टेक्ट, होम पे गया होम। आपकी नेविगेशन बार रेडी, और बताओ, जबरदस्त हो गया, नेविगेशन आपने सीख ली, बूटस्ट्रैप नेविगेशन सीख ली आपने। कलर क्यों ब्लू हो गया, वो इस वजह से क्योंकि ये नेविगेशन जो थी, ये जो लिंक है, इसको भी आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इस तरह देके। ठीक है, वो आप खुद कर सकते हो। ठीक है, इसको आपने ये जो लिंक है, ये तो बूटस्ट्रैप का नहीं है ना, तो आपको इसको भी कुछ ना कुछ देना होगा। यहाँ आप बनाओगे नेविगेशन डॉट सीएसएस की फाइल, जिससे आप लिंक को भी कस्टमाइज कर सकते हो। बाकी आपकी एमडीबी इंटीग्रेशन सक्सेसफुली चल रही है, रिएक्ट राउटिंग सक्सेसफुली चल रही है। ये जो एरर आ रहा है वो सिर्फ ये कह रहा है रिफ्रेश कर ले, जो कि किस्म के वार्निंग है, कोई मसला नहीं है। वैलिडेट डॉम नेस्टिंग ए कैन नॉट अपेयर एज अ डिसेंडेंट ऑफ ए, यहाँ पर हमारे पास लगा हुआ था नहीं, यहाँ पर एचरेफ, तो ये एचरेफ जहाँ लगा हुआ ना एक किस्म का, वो ये एक अटैग है। मैं एक किस्म का इसको हटा के देख लेता हूँ जरा, अगर वो मसला ना करे तो। सेव किया, नहीं मसला कर रहा है। ठीक है, मुझे उसके साथ चाहिए। ठीक है, तो मैं कस्टमाइजेशन के लिए लिंक को एक अलग लास्ट नेम दे सकता हूँ। सेव किया तो मेरे पास प्रॉपर आ रहा है। नेव बार की जगह हम कर लेते हैं कि कुछ और लिख लेते हैं यहाँ पर। नेव बार कहाँ आ रहा है, ये नेव बार आ रहा है। यहाँ से एचरेफ को खत्म करना होगा, प्रॉब्लम। सेव किया और हमारे पास रिएक्ट राउटिंग आ रहा है, और उसके साथ साथ हमारी नेविगेशन आ रही है। सबको क्लियर है, किसी को कोई मसला है तो वो पहले बता दे। सबको क्लियर, ईच एंड एवरीवन नीड टू रिप्लाई। ठीक है, आपको जो है इन दोनों, इस पूरी रिएक्ट नेविगेशन लास्ट नेम देकर थोड़ी सीएसएस करके दिखा दें। मैं एक कस्टम यहाँ पे इनलाइन सीएसएस लिख के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि बाकी काम अपने लिए भी छोड़ो ना, कलर से मैंने इसको कर दिया राइट।
फेस किया, अब मेरे पास वो रेड कलर में आ रहा है। सही है भाई हुजैफा, जो जो आज तुमने बोला ना मैंने सब करके दिखा दिया है। ये जगह इमेज लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं, वहां आइकन लगा सकते हैं, जो मर्जी आपका दिल चाहे आप वो लगा सकते हैं। ठीक है, कलर भी चेंज हो गया है। और बताओ भाई, किसी का कोई सवाल तो नहीं है? ठीक है, तो आपको नेक्स्ट क्लास तक रिएक्ट नेविगेशन जितना भी पुराना काम करवाया है हम उसकी प्रैक्टिस कर कर आनी है लाजमी, और फिर इंशाल्लाह ताला हम रिएक्ट में जो हमने प्रोजेक्ट करने हैं हम फिर उसकी तरफ जाएंगे। क्लियर है सबको? काफी है आज के लिए। जी बोले।